चौबे दिखता नहीं है इडियट। सॉरी सर। बॉस आज के शो की कलेक्शन रिपोर्ट। वेरी पुअर। अजी पुअर, दिस इज मोस्ट हॉरिबल। शट अप। कपूर साहब, कलेक्शन रोज बरोज गिरता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसका पैसा लगता है उसी की समझ में आता है। मैं इस सर्कस बंद कर दूंगा। नहीं नहीं जगदीश, आखिर सब ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? ये सोचना मेरा काम नहीं। बस बाहर कुछ लोग बर्फ वाले शो की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस आइस शो की वजह से अपना सर्कस नहीं चल रहा। लेकिन आइस शो से सर्कस का क्या ताल्लुक? सुना है ये शो यूरोप में भी बहुत कामयाब रहा है, जरूर उसमें कोई खास बात होगी। अगर ये बात है तो अभी चलकर देख लेते हैं। चलिए बॉस, मैं अपना सूट बदल के आता हूँ। व्हाट? मेरा मतलब है आप लोग जाइए, मैं जाके क्या करूंगा। आई गो सर। चलिए। Thank you.
बदबख्तों ने सर्कस का आइटम भी डाल दिया है। हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। किंगकॉन्ग के बारे में जो खबरें आ रही हैं, अगर वो सही हैं, तो हम उसे अपने सर्कस में पेश करके मालामाल हो सकते हैं। यू आर राइट। प्रोफेसर शर्मा कल ही वापस आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर सब तय कर लूंगा। दैट विल बी फाइन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तुमसे कितनी बार कहा है कि लेबोरेटरी में सिगरेट मत किया करो। सॉरी सर, सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए। मिलने के लिए हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। जाओ बाहर एक बोर्ड लगा दो। आई एम आउट। ओके 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 सर। और इस खरगोश की ब्लड रिपोर्ट का क्या हुआ? जी हो रहा है, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इडियटिक, तुम जिंदगी भर करते रहोगे। आज व्हाइट सेल की काउंटिंग पूरी हो जाएगी सर, लेकिन आपने वहां का तो कुछ हाल बताया ही नहीं। यू इडियटिक, असिस्टेंट तुम हो या मैं? जी असिस्टेंट तो मैं ही हूं, लेकिन 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 कुछ नहीं, कामकाज कुछ करते नहीं, खाम खा में दिमाग चाटते हो। फिर भी मालूम तो हो वहां क्या देखा क्या किया। मैं कहता हूं तुम बाहर नहीं आओगे। हेलो प्रोफेसर शर्मा। ओह हेलो जगदीश, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पर गया था। oh, लेकिन आप प्रेस वालों से घबरा कर कुछ इस तरह भागे कि मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कहीं ये सफर तो खैरी से कटा? ठीक ही रहा। जिस सिलसिले में आप वहाँ गए थे उसका कोई पता लगा? हाँ लगा तो सही। वहाँ के लोगों से जो कुछ मालूम हुआ है उसका मतलब तो यही है कि मलाया के जंगलों में किसी जमाने में जो गुरीले पाए जाते थे, ये ओटेंगो भी उसी किस्म का है। माय गुडनेस, ये ओटेंगो भी इडियटिक। लेकिन प्रोफेसर, ओटेंगो मलाया से यहाँ कैसे पहुंचा? देखो तुम ज्यादा बहस मत करो, मैं इसी वजह से अखबार वालों से पीछा छुड़ा कर आया था। लेकिन प्रोफेसर शर्मा, मैं तो आपका अपना आदमी हूँ, मुझसे क्या छुपाना? मुसीबत तो यही है कि मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। ओ, तो इसका मतलब है कि आप अपना मिशन अधूरा छोड़कर चले। तो और क्या करता, पूरी छानबीन के लिए रुपए की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है। सही है प्रोफेसर शर्मा, अगर आप राजी हो तो सारा इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्या तुम सारा इंतजाम कैसे कर सकते हो? मेरे सर्कस के पार्टनर मिस्टर कपूर से मिलकर सारी बात तय हो सकती है। उन्हें वहां के जंगलात की पूरी जानकारी है, और जहां तक कि पैसों का ताल्लुक है, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि ओटेंगो जैसी अजीब गरीब हस्ती को अपने सर्कस में पेश करके सारी दुनिया में तहलका मचा दूं और माल भी बनाऊं। अच्छा, इसका मतलब है ओटेंगो को सर्कस में पेश किया जाएगा। इडियटिक, हु आर यू? प्रेस रिपोर्टर। ओह, तो तुम यहां भी मेरे पीछे आ गए। जी चलो, गेट आउट। अरे जाओ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। ए चंदू, जल्दी कर, तुम्हारा आइटम आने वाला है। कमाल है, सब काम मुझे को करने पड़ते हैं। जल्दी करो, जैसे बाबा का राज है। चंदू, ये सर बाबू का है, ये कहीं अंदर का है, बेटा कहीं का। इतना नहीं है, चलिए सर। पुलिस, थैंक यू। कपूर कहाँ है? वो अंदर सर्कस में है। हे ब्राउज़र, जॉन से कह दो प्रोफेसर शर्मा है। ओके, हम उनके टेंट में उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। फूल, सैंडो इधर आओ। तुम्हारा आइटम खत्म हो गया ना, अब तुम जरा इस हाथी को नहलाओ। मैं अभी आता हूं। जैसी हस्ती दुनिया में है। इडियटिक, पैरों
हथियारों के जो निशानात पाए गए हैं और वहाँ के जंगली लोगों ने अखबारों में जो बयानात दिए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए ऐसी मखलूक का होना यकीनी है जिसकी ऊंचाई कम से कम 20 फुट होगी। जो भी हो प्रोफेसर शर्मा, हमें उस अजीब और गरीब हस्ती को अपने कब्जे में करना। मगर मिस्टर जगदीश, इस कोशिश में हमें कदम कदम पर जान से खेलना होगा। जान से खेलना हम सर्कस वालों की आदत होती है प्रोफेसर। शाबाश बेटी। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमारा साथ दें तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। क्या ठीक मिस्टर कपूर, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। और आप लोग तो जानते हैं कि जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद है। और इस जानकारी से फायदा उठाना कपूर साहब अच्छी तरह जानते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, मेरा सर्कस आजकल कुछ घाटे में चल रहा है। अगर कुछ दिन यही हालत रही तो सर्कस का दिवाला निकल जाए। चंदू। यस सर। शट अप। मिस्टर कपूर, मिस्टर जगदीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर हम किंग कॉन्ग को पकड़ने में कामयाब हो गए तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। कपूर साहब उसे सर्कस में पेश करके माला माल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स। और मेरी मुराद शायद पूरी ना हो सके। चंदू, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरा मतलब भाई, सेड यू गेट आउट फ्रॉम हियर। चंदू, ये तुम्हें बहुत बुरी आदत पड़ गई है, हर वक्त हर बात को मजाक समझते। सर, आइंदा नहीं समझूंगा। घर जाने लीजिए, ये तो जोकर ठहरा। कहिए आप लोगों ने क्या फैसला किया है? फैसला क्या करना है, हमें कल ही रवाना हो जाना चाहिए। डैडी, मैं भी साथ चलूंगी प्लीज। क्या केक? इस मुहिम पर कोई औरत साथ नहीं चल सकती, ये सिर्फ मर्दों का काम है। आपका कहना दुरुस्त शर्मा साहब, मगर बहादुरी में रीता देवी किससे कम नहीं। आपसे कम तो बेशक नहीं है। क्या सोच रहे हैं शर्मा साहब? What? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, यही तो 35 बरस पहले लंदन से डिग्री लाने के बाद फिर से समंदर का सफर कर रहा हूँ। मगर ये मेरा पहला सफर है। Oh, I see. एक्सक्यूज मी सर, हमने एक बगैर टिकट लड़का पकड़ा है और वो आपका नाम लेता है। हमारा नाम? हमारे साथ विदाउट टिकट कौन हो सकता है? आप उसे यहाँ ले आइए। अच्छा, कौन होगा ये? क्या टिक, कहीं वो चंदू तो नहीं आ गया? उसे आने के लिए तो मना किया था, फिर वो कैसे आ गया? अच्छा, उसे आने तो मैं अभी उसका दिमाग दोष कर देता हूँ। मुझे क्या, तुमने कोई हैरा कर रहे? तू खैर समय रखा है, छोड़ दो। लो, इन्हीं से पूछ लो, यही मेरे मालिक है, मैं इन्हीं के सर्कस में काम करता हूँ। गलती हो गई सर, आपने मुझे आने के लिए मना किया था मगर मैं फिर भी छुप के चला आया। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आप सबकी पूरी तरह सेवा करूंगा। सॉरी सर, सॉरी, ये हमारा आदमी नहीं है, हम इसे नहीं पहचानते। नहीं पहचानते? ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मैंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं आप सबके बच्चों की तरह हूँ, जुल्म मत कीजिए सर। क्या बकते हो, ले जाओ इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? रीता जी, मेरी तरफ देखिए, आप भी मुझे नहीं पहचानती, कमारा कोई नहीं पहचानता, आप भी नहीं पहचानते। अरे लेकिन लेकिन बहुत परेशान मालूम होते हैं। दिखता नहीं कि कितने आंसू बह रहे हैं। ये सब प्यास की वजह से? नहीं भाई, ये मेरी किस्मत की वजह से। ए, वो तेल का डब्बा लेकर ना। काम करने आया। तेल का डब्बा ले जाओ। यस, इसके बाप पर नौकर। भाई कमल के तुमको यह प्लेट साफ करने के लिए रखा है, धूप धूप के ग्रहण करने के लिए नहीं।
इधर बड़े होटलों में सब बहरा लोग ऐसा ही साफ करता है। ऐसा नहीं चलेगा, इधर ठीक ठीक काम करो। अब आवाज करता है जाओ, नोट करो। एक चाइना प्लेट, बराबर काम करो, ये तो काम और नुकसान दोनों बराबर पड़ता जाएगा। फिर तुम्हें कोचीन से आगे कोलंबो तक जाना पड़ेगा, समझे? मास्टर, ये जहाज जाता कहाँ तक? सिंगापुर तक। सिंगापुर? हे मास्टर, हे सिंगापुर तक जाने के लिए मुझे कितनी प्लेटें तोड़नी पड़ेंगी? सारी प्लेटें तोड़नी पड़ेंगी। थैंक यू मगर मच मास्टर, थैंक यू। लीजिए, माफ कीजिए सर, आपको किराए के साथ साथ 200 रुपए और देने होंगे। व्हाट? जी हाँ, इन्होंने इतना नुकसान किया है कि इन्हें काम करते सिंगापुर तक जाना होगा। जगदीश, इन्हें ये पैसे भी दे दो। हमने समझा था हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसने हम सबको ठीक कर दिया। लीजिए, थैंक यू। चलिए सर, सब ठीक हो गया। यू शट अप। बाय बाय। रिक्शा रोक कर दिया, चलो कैनेडा। यार बंदो भैया, कालू कालू, अरे चल चल इनको भैया, अरे चल चल भैया, चल 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 तुम खा रहे थे? ये मुसीबत पल्ले पड़ गई थी। तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। देखा इसको, बहना बहना मैंने के नाम तैयार इधर रूबा बच्चा सर है बच्चा। चलो देर हो रही है, थैंक यू। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। आइए, आओ चलो। सामान कुटवा जाओ। कौन है? ठीक तो हो ना? बस मैं मिलती हूँ। आप कैसे? भगवान की कृपा। इनसे मिलो, मेरे पार्टनर है मिस्टर जगदीश। How do you do? Professor Sharma. Oh, how do you do? और मुझे इसे पहचाना तुमने? कौन? रीटा? इतनी बड़ी हो गई? यार हम तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आए। Oh, God, check. Mr. Kapoor, मेरा ख्याल है पहले हमें हाथ मुंह धो लेना चाहिए। आप ठीक हैं? आप लोग ठीक? चलिए, आइए। अब बोलिए क्या जरूरी काम? यार तुम तो यहाँ के जंगलों से अच्छी तरह वाकिफ हो, और इस बार तुम्हें हमारे साथ बहुत दूर तक जाना होगा। जिम्मेदारियों के ख्याल से शिकार का ख्याल मैंने मुद्दत से छोड़ रखा है, लेकिन हमारे लिए ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों जिद करते हो? उस बार शेर के शिकार में तुमने अपनी टांग को नुकसान पहुंचाया, अगर इस बार कुछ हो गया तो? तुम तो जानते हो हमारा पेशा मौत ही से खेलना है। लेकिन सुनो, इस बार हम किंग कॉन्ग को पकड़ने की फिक्र में आए हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आए हुए हम।
यहाँ के लोग उसे उटंगो कहते हैं, मगर उसका पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो यहाँ तुम्हारे भरोसे पर आए हैं, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक रास्ता है, मेरे एक दोस्त का लड़का अजीत, जो नदी के उस पार टिम्बर स्टेट का मालिक है, उसे जंगलात की पूरी मालूमात है। अगर वो राजी हो जाए तो तुम लोगों का काम बन सकता है। लेकिन वो राजी क्यों नहीं होगा? वो कुछ अजीब तबीयत का आदमी है। खैर, मैं आप लोगों को खत दिए देता हूँ, शायद है आपका काम बन जाए। तो फिर इस वक्त लिख दीजिए, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। इतनी जल्दी कैसे? ओनम फेस्टिवल के सिलसिले में यहाँ बहुत शानदार जलसा होने वाले हैं, और आप लोग देख कर जाइए। और हम जरूर देखेंगे। हम लोग यहाँ नाच गाना देखने के लिए नहीं आए। प्रोफेसर प्लीज। ओ बेबी, ओके ओके। Oh,
ब्यूटीफुल वो सामने तुम जमीन देख रहे हो ना, बहुत पानी के बाद जाने के बाद लगा। प्रोफेसर नीचे देखो। जरा इस तरह। शाबाश। बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी लाओ। अरे चंदू, ये क्या लाए हो आपने? एक बंदर अपने लिए केले लाया। अरे अरे चंदू, सर संभाल के। वो देखो, बंदर की तरह केले पर केला खाया चला जा रहा है। ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अजीत साहब का टिम्बर स्टेट कहाँ है? इस तरफ है, यहाँ से जाना होगा। आओ चंदू, तुम चलो पहले। मैं पहले? आप जाइए ना। शटा, चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो। बात बात पे शटा बोलता है, जाता हूँ। हेलो हेलो खींचो भाई। हाउ एक्साइटिंग डैडी, ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा। आई होप सो। ए उधर ले जाओ। अब आप जाइए। नहीं डैडी, पहले मैं जाऊंगी, प्लीज। ओके ओके बेटा, आई हेल्प यू। नो थैंक यू। टाटा, बाय बाय। बाप रे बाप, कितना तेज पानी है। क्या हो गया शर्मा साहब? कपूर साहब, हिम्मत से काम कीजिए। आ
घबराइए नहीं, वो शेर मर गया होगा। शुमानो जरा एहतियात से। आप इस जंगल में अकेली कैसे, और आप हैं कौन? हम लोग बंबई से आए थे, नदी पार करते हुए मेरी ट्रॉली उलट गई थी, न जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे। घबराइए नहीं, अभी पता चल जाएगा। शुमानो 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 जी, देखो टिम्बर स्टेट से कुछ आदमी लेकर नदी के अतराफ इनके पिताजी की तलाश करो, जल्दी। बोलो शुमानी। शाबाश, आइए आइए, घबराइए मत, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल करीब है, आइए। साहब को अंदर ले जाओ और जरा इनको कपड़े बदलवा देना। कौन से कपड़े दो मालिक? मेरा ख्याल है कि हमारे कपड़े दे देना। ओए दैया, आपके कपड़े इनको दे दो। तो फिर अपने दे दो। आइए आइए, और देखो जरा अच्छे कपड़े देना। सीधा सीधा सीधा, कम यार कम कम। अबे तू अंदर क्या करने जा रहा था, जानता नहीं कि लड़की कपड़े बदल रही है? बेशरम को निकल। मालिक खाना खा लीजिए। अच्छी बात। आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए ये जंगली इलाका है, यहाँ शहरी तकल्लुफ न कीजिए। मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर जो कुछ रूखा सूखा है खा लीजिए। मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं। मुझे भी एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं। आप चाहे खाएं या ना खाएं, मैं तो शुरू करता हूं। मैं ना क्या है मालिक, दोपहर से शुमानो उन लोगों की तलाश में गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। हाँ मालिक, वो भी सारा दिन रोती रही है। बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन अगर उन लोगों का कोई पता नहीं चला था तब भी शुमानो को तो वापस आ जाना चाहिए था। अरे आपने क्यों खाना छोड़ दिया मालिक? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया है। इतनी जल्द? जब घर आया हुआ मेहमान ही परेशान हो तो खाना कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन मुझे तो भूख नहीं। नकारे पर खबर आ रही है, शायद आपके पिताजी के बारे में। क्या शुमाना कोई खबर भेज रहा है? जी हाँ मालिक। क्या कह रहा है जरा मालूम करो, कुछ पता चला? शुमानो कह रहा है उनका पता चल गया। अच्छा, उससे पूछना कि वो लोग सब खैरियत से हैं। मालिक आप लोग भी खैरियत पूछ रहे हैं? उनसे कहो हम सब सही सलामत हैं और इसी वक्त आना चाहते हैं। कहना कि रास्ता बहुत खतरनाक है, रात वहीं गुजारे। नहीं नहीं, इसी वक्त उन्हें बुला लीजिए। क्या बच्चों किसी बातें कर रही हैं आप, इतनी मुसीबतें उठा चुकी हैं फिर भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये इलाका कितना खतरनाक है। चलिए जोसेफ, क्या कह रहे हैं ये लोग? वो कहते हैं सब ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, खबर बनकर तुम बनकर आइए। चलिए चलिए, सब सही सलामत है। आपकी मेहरबानी। अब तो आप आंसू नहीं बहाएंगे? नहीं। तो फिर चलिए चलकर खाना खा लीजिए। चाहिए? और आप? मैं तो खा चुका। तो मैं भी खा चुकी।
अगर आप मेरी नकल करेंगे तो मुसीबत उठाएंगे। एक बार आपने मुसीबत से बचा है, दोबारा भी आप ही बचाएंगे। ओहो, आप तो जबरदस्ती मुझ पे अपना अधिकार जमा रही हैं। जबरदस्ती नहीं, रजामंदी से। लीजिए एक कप और। जी नहीं बस। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, आपका इंतजाम बड़ा अच्छा है, वरना जंगल में शावर बात ये कौन सोच सकता है। ये सब आप ही के लिए करना पड़ा। शुक्रिया मालिक। मालिक वो लोग आ गए। आ गए वो? हाँ। आ गए। जल्दी उनके पास ले चलिए। चलिए कम ऑन कम ऑन सीधा। मेरी बेटी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। डैडी आप ही मिस्टर अजीत? आप मिस्टर अजीत? क्या मुलाकात हुई है। हम लोग आप ही से मिलने को आ रहे हैं। बड़ी खुशी। ये है प्रोफेसर शर्मा और ये है मेरे पार्टनर मिस्टर जगदीश। ये कमाल है, आप मेरा इंट्रो इंजेक्शन हमेशा भूल जाते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे चंद्र कुमार कहते हैं। चंदू प्यार से लोग मुझे चंदू भी कहते हैं। आप लोग यही कब तक खड़े रहेंगे? चलिए टीचर के नाश्ता कर लीजिए। नायर साहब ने मुझे याद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कपूर साहब इससे पहले भी कई पार्टीज यहाँ आ चुकी हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको भी नाकाम होना पड़ा। कम हिम्मत होंगे, नालायक होंगे, बेवकूफ होंगे। प्रोफेसर साहब आप भी तो आए थे। अजीत साहब अगर आप हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो हम भी वापस चले जाएंगे। कपूर साहब सच पूछिए तो किंग कॉन्ग के मामले में मुझे भी काफी दिलचस्पी है, लेकिन मैंने इस झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। काम तो बेशक झंझट का है मगर इसमें फायदा भी तो सबका होगा। अब सारा दारोमदार आप पर ही है। आपको हमारा साथ देना ही होगा अजीत बाबू। अच्छी बात है, तो फिर मैं अपने आदमियों को सफर की तैयारी के लिए कहता हूँ। हाँ, उस वक्त तक आप लोग आराम कीजिए। ओके। आराम? इडियटिक। नाइस बॉय। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। जरूरत? नहीं नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है। ले, 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 लेकिन आप कहाँ चले गए? बात तो सुनिए। अगर आपकी यही मर्जी है तो हम हर तरह से तैयार हैं। शाबाश। देखो तुम सफर का इंतजाम करो, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। अच्छा मालिक। और हाँ शोमानो, रात मेहमानों के स्वागत का कुछ इंतजाम किया? इंतजाम बिल्कुल ठीक किया है, मेहमान खुश हो जाएंगे मालिक। शाबाश। Oh,
मेहमानों को भी नाचना पड़ता है। प्रोफेसर साहब आप कहेंगे इडियाटिक। बिल्कुल इडियाटिक। Ricky! Hurry, Ricky!
किसके दो आदमी मर गए और देखे फिर वो लोग इन पर हमला ना कर दें। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो। मालिक मालिक क्या हुआ? अपने आदमी बहुत जख्मी हो गया है। लेकिन इसकी हालत नाजुक है, इसे टिम्बर स्टेट भिजवाना ही होगा। हाँ शमन दो आदमी को बुलवा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसे टिम्बर स्टेट वापस भेजने से हासिल क्या होगा। आपका मतलब? मेरे ख्याल में ये घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़े। बिल्कुल एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा सलूक हरगिज़ नहीं कर सकता। मगर प्रोफेसर एक आदमी की वजह से दो आदमी और कम हो जाएंगे तो क्या हुआ? जगदीश बाबू ये सोच रहे हैं कि उनके हिस्से का सामान कौन उठाएगा। बेशक ये बात भी है। और जगदीश बाबू ये लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैं इन्हें इंसान समझता हूँ, जानवर नहीं। शुमानो तुम खड़े क्या देख रहे हो? ले जाओ उसे। स्लोली स्लोली मेरा ख्याल है कि अब हम लोग ये सामान आपस में बांट लें। आप लोग आपस में बांट लीजिए, मुझे सामान उठाने की आदत नहीं है। लाओ संदूक मुझे। मेरा ख्याल है जगदीश बाबू के ये सूटकेस आपका है, अगर आपको जरूरत हो तो उठा लीजिए वरना यहीं रहने दीजिए। जगदीश बाबू मेरा ख्याल ऐसे यही बना रहे हैं। तो फूल प्रोफेसर कॉफी। ओह थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। डैडी कहाँ है? डैडी वो जगदीश के साथ सामने वाली पहाड़ी पर गए। अब्दुल अरे लो वो शिकारी साहब भी चले आ रहे हैं।
थैंक यू। शर्मा जी, आज का खाना बड़ा मजेदार बना है। ऑफ कोर्स। रीता जी, देखिए जरा शोमानों की मदद कर दीजिए। माफ कीजिए, उससे परिंदे साफ नहीं हैं। नहीं नहीं, साफ तो वो खुद कर देगा, लेकिन जरा इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज्यादा न गल जाए। अजीत बाबू, मैंने अभी तक बावर्ची का काम नहीं। हाँ तो जल्दी से सीख लो बेटी, ससुराल जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि जो काम कल करना है उसकी प्रैक्टिस आजी से क्यों ना शुरू कर दी जाए। बहुत अच्छा, मैं आज ही से प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। देखो बेटी, मैं मिर्च बहुत कम खाता हूँ। और हाँ शर्मा जी, मुझसे भी नमक ज्यादा नहीं खाया जाता है। क्या हुआ? मिर्च बहुत ज्यादा हो गई। तुम चुप रहो, आज खाना मैं बनाऊँ। लो तो फिर आप ही पकड़ लीजिए। मानो जी, नमक का है ये रहा नमक, मगर मालिक नमक कम खाते हैं। मुझे मालूम है मालिक चमक कम खाते। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं शोमानो जो है? मगर मैं सीखना चाहती हूँ। ओहो, तो आप कल से सीखिए ना। आज तो लोग बेटर है खाना खाने दीजिए। आइए आइए, अब आइए ना, ये काम आपका नहीं। चमन के फूल भी तुझे को गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझे को गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी जवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको सनम इसी किरण को सनम आफताब कहते हैं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चश्म हैरान की कसम, ज़ुल्फ परेशान की कसम,
चश्म है राज कसम लो वे परेशान की कसम मांग लो जान तुम्हें आज मेरी जान की कसम गजब की बात है ये गजब की बात हम ही नहीं है हम ही नहीं हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं चमन के फूल भी तुझको आज तक देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें डाल दो हंस के नाखों में चलकती आँखें संभल के पीना इसे संभल के हम ही नहीं है हम ही नहीं हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं भूल भी तुझको क्या बात है मार क्यों किया कुछ नहीं शिकारी को शिकार से अलग कर दिया शाबाश। नदीर। एक।
क्या बात है, रुक क्यों गए? झरने की आवाज आ रही है। आओ जवाब दोगे दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, वो तेरे दिल में है प्यार कुछ कुछ मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे ये बिखरी ज़ुल्फ़े संवार दूँ मैं, ओ हसीन पलकों की छाँव में अब ये सारा जीवन गुजार दूँ मैं। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे था मुझे ना, ओ, 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 ओ,
कभी भी मेरा ना नाम लेना, लगा के दिल से रखेंगे हम तो ये दर्द तेरा दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? ठंडी ठंडी मचलती लहरें हमारे दिल को जला न डाले। उठते हैं तूफान दिलों नजर में, किसे बचाए किसे संभाले। ये क्या हुआ है, क्या हुआ है? अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? दिल क्यों मेरा तड़प रहा है? वो तेरे दिल में है प्यार कुछ कुछ धीरे धीरे जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? वो देखो क्या है तो सही। आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या वो गांव नजर आया? मालूम होता है किसी बलाय नागहानी ने तहस नहस कर डाला। सारा गांव बर्बाद नजर आता है, कहीं ऐसा तो नहीं? जरूर ऐसा ही होगा, सारी तबाही वो टाइम की है। हम लोगों को फौरन वहां पहुंचना चाहिए। शुमान जरा संभल के आइए, हम आगे जाते हैं। आइए बर्बाद हो चुका है। ज्यादातर लोग मर चुके हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स शोमान हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। शोमान हो आया मालिक। क्या है मालिक? फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी करो। देखो तुम उधर जाकर देखो कोई और जख्मी तो नहीं है। शुमानो जाओ तुम उनकी मदद कर जाओ। बाबा ये तबाही किसने मचाई है? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मददगार, दुश्मन नहीं। बोलो ए, ए, सब किसने किया? किसने किया? ये किसने किया? टैंगो, 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 टैंगो। ये कमबख्त यहां तक पहुंच गया। देखो जोसेफ तुम कैंप जाओ,
वहां से एक आदमी को टिम्बर स्टेट भेजना, उससे कहना कि शहर जाकर पुलिस में इत्तला दे के उठाएंगे उन्हें, यहाँ क्या उधम मचाइए। बहुत अच्छा मालिक। खड़ा जाओ जाओ। मुझे आपकी राय से इत्तफाक नहीं मिस्टर जी। जी अगर पुलिस को उठाएंगे की इत्तला मिल गई और वो लोग यहाँ आ गए तो याद रखिए हम कभी उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वक्त हमें ओटेंगो को भूलकर इन दुखों की मदद करना चाहिए। हम इतनी दूर इसलिए नहीं आए कि ओटेंगो को भूल जाएं सरवन साहब। तो फिर ये भी सुन लीजिए मिस्टर जगदीश, मैं भी इतनी दूर इसलिए नहीं आया हूँ कि इंसानियत को दौलत के एवज भेज दूं। जोसेफ जाओ, देर हो रही है। बहुत अच्छा मालिक। आप इनकी बातों पर ध्यान न दीजिए, हर हालत में जख्मियों को बचाना हमारा फर्ज है। शाबाश बेटी, जगदीश से तो तुम ज्यादा समझदार हो। इडियटिक। कपूर साहब, कपूर साहब, शर्मा जी, राजी साहब, अगर एक आदमी फंसा हुआ, जल्दी चलिए, चलिए। गोली करने की आवाज। इच्छा से ये जगदीश कहाँ है? जगदीश कहीं जगदीश ने आइए आइए, मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, इन घरों में इतनी अच्छी लेबोरेटरी, ताज्जुब है। ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय था। आप लोगों ने अखबार तो पढ़े होंगे। अब मैं डॉक्टर साइक्लॉप्स। डॉक्टर साइक्लॉप्स, वही मशहूर साइंटिस्ट जो 20 बरस पहले अचानक गायब हो गया था और फिर एक दिन उसके मरने की खबर आई। गलत खबर, गलत थी। मैं जिंदा हूँ और इस इंतजार में हूँ अपने तजुर्बे कामयाब होकर दुनिया के सामने आऊं। डरने कोई बात नहीं, ये मेरे तजुर्बे का नमूना है। यानी आप इसे गोरिल्ला से आदमी बना रहे हैं? जी नहीं, आदमी से गोरिल्ला बना रहा हूँ। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ मगर मैंने ख्वाब में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। आप काफी इडियोटिक साइंटिस्ट मालूम होते हैं, ये ख्वाब नहीं है हकीकत है। मगर मैं इसे नहीं मानता। आपके मानने ना मानने से क्या होता है, इनका कमाल तो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। थैंक यू। खैर ये बहस बाद में करेंगे, अभी आप लोग आराम करिए। आप बहुत थक गए होंगे। पेड्रो आप लोग को हॉल में लेके जाओ। आइए। देखिए हमारा एक साथी यहीं कहीं खो गया है, उसकी तलाश के लिए किसी को भेज दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, वो आ जाएगा। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदू। बड़ा प्यारा नाम। और तुम्हारा? मेरा नाम टुनटुन। टुनटुन पसंद आया? बहुत मीठा है। मेरा नाम? नहीं ये फल। तुम जितने खूबसूरत हो उतने शरारती भी हो, बस मैं तो तुम्हीं से शादी कर लूं। मुझसे? ये काले कलूटे चुंगलियों से कौन शादी करे? कहां वो लंगूर, कहां तुम? ये चार जैसा मुखड़ा, ये मोटी मोटी आंखें, ये पतले पतले होंठ, ये घूंघर वाले बाल, तेरी और मेरी जोड़ी खूब रहेगी। ए सामने वाली देवी मैया, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं चार नारियल की बजाय 8 नारियल चलाऊंगी। कहाँ भागे जा रहे हो प्यारे? मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। साथियों को मारो गोली, मेरे पास बैठो, ये फल वल खाओ, जरा प्यार मोहब्बत की बातें करो। फोन तोड़ दो। क्या है? तो ये काम हो रहा है, है? चलो तुम्हें मालिक ने बुलाया है। अरे लेकिन मैं तुम्हारे मालिक से नहीं, मैं तो अपने मालिक से मिलना चाहता हूँ। वो भी वही है,
उन्ठन, मालिक टेबल पर इंतजार कर रहा है, तुम खाना लगा जल्दी आओ, समझी? चलो, चलो। Delicious food. मलाया के एक मामूली से गुरीले को टेंगो की शक्ल में पेश करना साइंस का बहुत बड़ा कमाल है। मगर मिस्टर साइक्लोप्स, आपकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि ओटेंगो आपके काबू में नहीं है। जी हाँ, मैं उसको दिमाग पर काबू नहीं पा सका। तो क्या आप किसी तरह उसे काबू में नहीं कर सकते? क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त मैं ओटेंगो से ज्यादा ताकतवर हस्ती को वजूद में लाने की कोशिश में हूँ और मुझे यकीन है मैं कामयाब हूँगा। भगवान आपकी मदद करे। भगवान ने जो कुछ करना था कर चुका, अब जो कुछ करना है मैं करूंगा। क्या मतलब? प्रोफेसर शर्मा, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट मेरे इशारों पर चलेंगे। बड़ी बड़ी ताकतें मेरे सामने झुकेंगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया को साइंस से बजाय फायदे के नुकसान पहुंच रहा है। काश एटम बम के बजाय हम एटॉमिक एनर्जी से फायदा उठाते। यू आर राइट मिस्टर अजीत, हर साइंसदान की यह ख्वाहिश होती है कि वो इंसानियत की कुछ सेवा करे। मगर मिस्टर साइक्लॉप्स जैसे साइंसदान तो कुछ और ही चाहते हैं। गोया आप मुझे नसीहत कर रहे हैं? ऐसी गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि आप सिर्फ अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी सोचें। ओ जी, छोड़ो इन बातों को। डॉक्टर ये बताइए कि आप जरूरत की इतनी सारी चीजें कैसे मुहैया कर लेते हैं जबकि आप शहर से इतनी दूर रहते हैं? है खुफिया रास्ता, वक्त आने पर आपको भी बता दिया जाएगा। दवाइयों के दोनों बॉक्सेस आ चुके हैं। गुड, तुम बक्से खोल लो और देखो कुछ चीज कम तो नहीं है। राश होगा वो फार्मूला भी आज शाम तक तैयार हो जाए। बहुत अच्छा। अजीत बाबू, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। आई एम सॉरी। हेलो। हेलो रीटा। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। तो क्या तारे गिन रहे थे? जी हाँ, गिन तो रहा था तारे, लेकिन लेकिन क्या नजर आ गया? अच्छा अच्छा, तो आप शहर पे हैं। मैं तो समझ रही थी कि मैं सिर्फ एक सरफिरा शिकारी हूं। जी हाँ। यह सब तुम्हारी ही मेहरबानी है, मुझ जैसे सरफिरे को भी यह एहसास करवा दिया कि जिंदगी किसे कहते हैं। क्या मतलब? इन आंखों की गहराइयों में डूबकर ये पता चला कि जिंदगी मोहब्बत के बिना अधूरी और वीरान है। ओ, तो आप सपने भी देखा करते हैं? जब से तुम्हें देखा मैं तो जागते में भी सपने देखता हूँ। क्या देखते हैं सपनों में? यही कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सपना कब सच होगा? बहुत जल्द रहते नहीं बचेंगे, बल्कि आप खुद भी उसके एक्सपेरिमेंट का शिकार हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। चलिए। कितनी दहशतनाक आवाज थी, मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। अब आवाज का चर्चा होता रहेगा या रीता और अजीत की तलाश भी की जाएगी? मेरे ख्याल से ये उन्हीं की आवाज होगी। कुछ जानवर वगैरह खा गया होगा। चलो, तुम जहर बेवकूफ और बदतमीज हो। यस सर। कपूर साहब, जरूर कोई बात है। क्या बात है? आखिर तुमने मुझे वहां जाने क्यों नहीं दिया जबकि एक इंसानी जान खतरे में? यहाँ तक किसी की जान खतरे में आ जाएगी ये कोई नहीं जानता।
भगवान के लिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, वरना आप लोगों का भी वही हाल होगा जो पहले कई शिकारी पार्टियों का हो चुका है। क्या हुआ? ये सब मैं बताना नहीं चाहती। तो फिर आप यहाँ रहते क्यों हैं? मजबूरी की वजह से। ऐसे भी क्या मजबूरी, अगर आप हैं कौन? ये सब मत पूछिए। अच्छा मैं जाती हूँ, मेरी बात नहीं भूलिएगा। यहाँ तो मेरा जी घबरा रहा है, चलिए। ठहरिए मिस्टर कपूर, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। जगदीश तो, अरे ये लोग तो आए गए। कहाँ थे तुम दोनों? कपूर साहब, डॉक्टर साइक्लॉप्स निहायत ही खतरनाक और बेशी आदमी। हाँ चीख तो हमने भी सुनी थी, लेकिन बात क्या है? अरे साहब, अभी हमने उसकी लेबोरेटरी में जो मंजर अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो इंसान और जानवर दोनों की जिंदगी के साथ बराबर खेलता। अगर शोभा आकर न रोकती तो अजीत बाबू खुद उसे रोकने जा रहे थे। रोकना कैसा, मैं तो उसका गला घोंट देता। लेकिन शोभा ने तुम्हें रोका क्यों, और ये लड़की है कौन? साहब ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। मगर उसने ये जरूर बताया कि हम लोगों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ डैडी, हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। साइक्लोप्स का कोई एक्सपेरिमेंट देखकर और एक लड़की के बहकाने पर हमारा यहाँ से इस तरह भाग जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो फिर आप क्या मुनासिब समझते हैं? साइक्लोप ने हमारे साथ कोई भेजा सलूक नहीं किया, इसलिए हमें उसके खिलाफ सोचने का कोई हक नहीं। अगर हमें जाना ही है तो उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करके जाए और टेंगो के बारे में उससे पक्का फैसला करके जाए। जो पीस ठीक कहता है। हो सकता है मुझे आपकी राय से कोई इत्तेफाक नहीं। क्या कहते? वेल मिस्टर कपूर, आपका क्या ख्याल है? आप लोगों का फैसला सही है, साइक्लोप जैसे आदमी से बिगाड़ के नहीं बना के रखने से ही बात बनती है। मैं भी यही कह रहा था। मगर सर, बनी हुई बात बिगड़ भी सकती है। मुझ नाचीज की राय तो यह है कि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो कल। है इससे पहले कि हम सब लोगों का यहाँ तबाड़ा हो जाए, हमें फौरन पांव पे सर रख के यहाँ से भाग जाना। अगर तुमने आईना दखल दिया तो उल्टे लटका दिए जाओगे। तो मेरे बात का क्या जाएगा, आप ही सब लोग मुझे उल्टे दिखाई देंगे। अब तुम्हें इस मतलब गोली मार दो। मैं सुबह से आपको इन भूल भुलैयों में ढूंढ रहा हूँ। मगर आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, इसमें क्या हर्ज है? पिताजी ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। पिताजी, यानी मिस्टर साइक्लॉप्स आपके पिता हैं? जी। लेकिन आप तो उनके खिलाफ हैं। इसलिए कि वो इंसानियत के खिलाफ हैं। वो जानवर को इंसान और इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं। तो आपने उन्हें समझाया नहीं? मेरी माताजी ने उन्हें एक बार समझाने की कोशिश की थी, उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। मैं भी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं जाते हुए आपको अपने साथ ले चलूंगा। सच? सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम हो जाए। वो रास्ता मैं जानती हूँ। तो फिर हम आज रात को यहाँ से निकल चलेंगे। रीता, 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 मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या? मैं मरना चाहती हूँ। तो फिर शौक फरमाइए। तुम तो यही चाहोगे ना, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। अगर अगर इसी तरह बदल जाना था तो मुझसे प्यार का इकरार क्यों किया? क्यों मेरे दिल से खेलते रहे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया रीता, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मत लीजिए अपनी जबान से प्यार का नाम। रीता, 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 रीता मेरी बात सुन। रीता, 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 लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से।
दिया दिल दिया कितने नाज से भोले लड़के भोले भाले कैसे दगा पाले हो तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से आपसे नाराज होने का मुझे कोई हक नहीं। ऐसी बातें ना करो। अगर तुम्हें नाराज होने का हक ना होगा तो फिर मुझे मनाने का हक कैसे मिलेगा? उसे जाकर मनाइए जिसके दीवाने बने हुए हैं। रीता, तुम चाहे कुछ भी समझो लेकिन मैं शोभा को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। बहन? हाँ रीता, मैं शोभा को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। अजी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम पर शक किया। जहाँ प्यार होता है वहां शक्ति होती है। रीता, रीता बेटी, रीता बेटी, तू इतनी देर से कहां थी? कपूर साहब, मैंने यहां से बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया है और इस सिलसिले में शोभा हमारी मदद करेगी। शोभा हमारी मदद करेगी? जी हाँ, आपको शायद ये मालूम नहीं कि शोभा उस पागल साइंटिस्ट की लड़की है जो अपने बाप से तंग आ चुकी है। ठीक है, वो साइंटिस्ट बहुत ही खतरनाक आदमी है। माफ कीजिएगा, आपके जगदीश साहब भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। लेकिन इस वक्त हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यहां से निकलते ही हम उस खूनी को कानून के हवाले कर देंगे। टैंगो से बच के निकलने का यही एक रास्ता है। वेरी गुड, चलिए प्रोफेसर। Thank you.
भी उटेंगो के रास्ते से कुछ कम खतरनाक नहीं है। ये तो उटेंगो का भी बाप मालूम होता है। डरने की कोई बात नहीं, वो संजय से बंधा हुआ है, ये पहिया घुमाते ही वो हमारे रास्ते से हट जाएगा। जगदीश, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, सारी रात सो ना सका। परेशानी क्या बात है, तुमने एक अच्छे मेहमान का फर्ज अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो सब लोग मुझे दुश्मन समझने लगे हैं। और मैं दोस्त, मेरी दोस्ती के मुकाबले में यहां किसी की दुश्मनी कोई अहमियत नहीं रखती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग वापस बंबई पहुंचेंगे तो कुछ नहीं। इन गुफाओं से अब वो लोग जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उनका दिमाग का सर निकाल कर इन जानवरों के दिमाग में डालूंगा। जी हाँ, ऐसा ऐसा मुंह में डालू। लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि वो टांगों को तुम्हारे साथ कर दूंगा। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसा नहीं है, सौदा सौदा। फरमाइए क्या हुक्म है, मैं दिलो जान से हाजिर हूं। मैं इस माहौल में रहते हुए जिंदगी के उस पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुका हूं जो कि इंसान के लिए नहायत जरूरी है। जगदीश, एक साइंटिस्ट के सीने में भी दिल होता है। क्यों नहीं, जरूर होता है। जगदीश, मैं रीता को अपना बनाना चाहता हूँ। जी, और इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे? हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं। जी जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, ये तो उसकी खुश नसीबी होगी। तो मैं से बुलवाता हूँ, जा रीता को लेकर आओ। बाहर नीच और कमीना साबित होगा जो मैंने कभी सोचा भी ना था। गलती हमारी है कपूर साहब, जो हमने एक खूनी दरिंदे पर भरोसा किया। मुझे तो इस लड़की पर तरस आ रहा है जिसने हमारी खातिर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। मगर मुझे इस बात का दुख है कि मैं आप लोगों को बचा ना सकी। ऐसा ना कहो बहन, हमें बचाने में तुमने कोई कसर उठा ना रखी। और आप रही सही कसर जगदीश बाबू पूरी कर देंगे। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया है। उस शैतान ने मुझे क्यों बुलाया? शैतान की बात तो शैतान ही जाने, हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। ये क्या कर रहे हो? काले जा रहे हो मेरी बेटी को? पिताजी, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं।
साइक्लोप्स की तरफ अगर मैं दोस्ती का हाथ न बढ़ाता तो आज हम सब मौत के घाट उतार दिए गए होते। जिल्लत की जिंदगी से मौत हजार तरजे अच्छी होती है। ओ नादान न बनो रीता, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। साइक्लोप्स हम सबको आजाद करने पर ही नहीं बल्कि और टेंगो को हमारे हवाले करके शहर भेजने पर भी राजी हो गया। ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाए? इसलिए कि तुम्हें एक और खुशखबरी सुनानी है। साइक्लोप्स तुमसे शादी करना चाहते हैं। शादी? और उस जैसे शैतान से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? इसके बदले में मर जाना पसंद करती हूँ। बार बार मरने का नाम ना लो, मरना इतना आसान नहीं। साइक्लोप तुमसे मोहब्बत करता है और शादी के बाद तुम भी उससे मोहब्बत करने लगोगी। रीता, 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 रीता। मिस्टर जगदीश, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बातों से नाराज हो गई। मिस रीटा, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। रीटा, जो चीज भी रजामंदी से नहीं मिलती मैं उसे जबरदस्ती हासिल कर लेता हूँ। पेड्रो, आओ मेरे साथ, मुझसे टकराने वालों का मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊं। ए लड़की, नाचने के लिए तैयार हो जाओ। बैठो। अगर एक छोटे से बंदर को मैं 25 फीट का बना सकता हूँ तो अपना दिल बहलाने के लिए 6 फीट के आदमी को 6 इंच का बना सकता हूँ। परवाह नहीं, मुझे भी 6 इंच का बना, मगर मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। रीता, मैं तुम्हें नहीं उनको 6 इंच का बना रहा हूँ। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। अब चंद मिनटों में कपूर साहब कितने से होंगे, और जब मैं अपने सर्कस में एक तरफ पहाड़ जैसा उठाऊं और दूसरी तरफ कपूर साहब को खिलौने की सूरत में पेश करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलत मेरे कदम चल जाएगी। जगदीश, रीता, तुम्हारी और हमारा ना पर सब कुछ मुनस्सर है। नहीं बेटी, मेरी परवाह मत करो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जी मैं तो तुम्हारा घड़ा घोड़ दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें हासिल कर रहूंगा। पेड्रो, पीछे खा लो। देखो, अब भी मान जाओ? नहीं। पेड्रो, कपूर को लेके आओ, ये बहुत दिनों के भूखे हैं। ठहरो, ठहरो, मुझे सब कुछ मंजूर है। रीटा, क्या बात? ये शादी नहीं हो सकती। पिता, ये शादी नहीं हो सकती। रीटा, रीटा, सही नहीं, नहीं। ये शादी आज ही होगी। लेकिन सरकार, ये शादी करने के लिए आपको धारोलुम्बा जाना होगा। धारोलुम्बा? क्यों? इसलिए कि आपने यहाँ के रस्म रिवाज को मान लिया है और ये शादी पिंगलो सरदार के सामने ही हो सकती है। ठीक है, हम वहीं जाएंगे, और जब तक मैं ना आऊं जगदीश राय से काम लेना। मिस्टर साइक्लोप्स, मेरा काम शायद शादी के बाद ही होगा। हाँ जगदीश, थैंक यू, शादी मुबारक। शुक्रिया। बैठ जाओ, पिंजरा बंद करो। अजीत, इस तरह कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऊंचाई की जरूरत है। शोभा, उसे अजीत की तरफ फेंक दो। तो।
हेलो एवरीबॉडी। जगदीश, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया? लालच है तुम पर। तुमने अपने मतलब के लिए अपने दोस्त की बेटी का सौदा किया। दोस्त की बेटी तो क्या, लोग अपने मतलब के लिए खुद अपनी बेटी का सौदा करते हैं। कपूर साहब ने और टैंगो को हासिल करने के लिए अपनी बेटी अजीत के हवाले, जगदीश मैंने उसे साइक्लोप्स के हवाले कर दिया, तो कौन सा गुनाह किया? देख जगदीश, एक मासूम लड़की और उसके बेकस बाप की आहें तुझे कभी टैंग नसीब न होने देंगी। मगर इस वक्त तो अजीत बाबू बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आपके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। खामोश जलील कुत्ते। शोभा, मैंने पहले कभी तुम्हें इतने गौर से नहीं देखा था। कितनी हसीन हो तुम। अजीत बाबू, लात मारने का शुक्रिया। बैठो, इन्हें खोलो और हमारे पास ले आओ। नहीं पेड्रो, नहीं पेड्रो, तुमने मुझे बचपन से पाला है, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारी पैर पर, मैं तुम्हारी बेटी की तरह पेड्रो हूँ, मैं तुम्हारी बेटी की तरह पेड्रो, मुझे बचा लो, मुझ पर तरस खाओ पेड्रो। पेड्रो, जाओ शोभा, जाओ। तुम जा सकते हो। Thank you.
से कभी प्यार करते तो देखो किसी हुस्न वाले पे मरते तो देखो किनारे ये शोला का दरिया गुजरते तो देखो इतने बेखुदी इतने रोशनी ये रंगीन महफिल गुलाबी गुलाबी मेरे दिल का आलम शराब Thank you.
अजीत। अजीत बाबू ना जाने कहां गए? अजीत, जगदीश को अपने किए की सजा मिल गई, अब हमें रीटा की तलाश करनी चाहिए। पता नहीं वो शैतान उसे कहां ले गया है। ये मैं जानती हूँ, आइए मेरे साथ। चलिए। अरे ठहरो भैया, अरे हमको तो साथ लेकर चलो। शुभानु जल्दी चलो। साइकोलॉजी पंचरस का ये प्याला तुम्हारी शादी के नाम पर पियो। सरदार की जय। साइकोलॉजी, हम तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारी रीति रिवाजी को मान दिया है, हमारी इज्जत की है। ये तो मेरा फर्ज है सरदार, और फिर तुमने तो मुझे अपने इलाके में जगह दी है। पिंगनाटी तैयार इंडे। साइकोलॉजी, तुम्हारी दुल्हन तैयार है। फिर देर किस बात की है? पिंगनाटी खंडवा। भाई पुरुटिंग मुझे बचाइए, ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। शायद तुम भूल गई, जब तक ये निशान बाकी है मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नहीं भूल सकता। कल्याण मेरे पैर तुड़ंगी। नहीं नहीं नहीं, वो देखो खबरदार, अगर जेब से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की तो गोली मार। फेंक दो, थोड़ी बोरी खत्म हो गई। पिताजी, इन लोगों पर तरस खाइए। पिताजी तुम चुप रहो, अब ये शादी तुम लोगों के सामने होगी। पिताजी ये जुल्म है, ये जुल्म है। पिताजी शादी का रस्म पूरी करिए, अब तो उसका बाप भी है। नहीं, पहले मैं इनसे अपने अपमान का बदला ले लूं। इधर कटी पता नहीं हम लोग कहां चले गए। Thank you.
मगर ऐसा हम कब तक भागते रहे? अगर हम भाग भी गए तो वो हमारे गांव को आकर बर्बाद कर दे। तो क्यों ना उटंगो को घेर के गांव में आग लगा दी जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ इसी तरह हम उसे खत्म कर सकते हैं। वो आ गया, आ गया। मचाले मचाले नहीं उटंगो, जल्दी कर, जल्दी हरी वो, हरी वो, हरी वो। Come on!
सुमन आओ हम लोग पहले चलते आइए आप लोग भी आ जाइए आओ बेटे वो जरूर इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा चुमानो गाड़ी रहा मकसद में कामयाब ना हो सके इडियटिक हमारा मिशन जरूर कामयाब रहा है अगर हम यहाँ ना आए होते तो ये ओटांगो कभी खत्म ना होता और ना जाने और कितने गांव तबाह होते मिस्टर कपूर आप हजारों गरीबों की दुआएं भी साथ लिए जा रहे हैं थैंक यू यही नहीं साथ बल्कि एक अच्छा दामाद भी साथ जाएगा तुम बीच में कुछ ना कुछ करते हो रीटा चंदू ने आज ही तो जिंदगी में पहली बार समझ की बात कही है मुबारक हो मिस्टर कपूर प्रोफेसर साहब आप भी क्या बातें करते हैं सर अगर अजीत बाबू इजाजत दे तो मैं भी जरा मेरा मतलब मैना से सॉरी चंदू मैना की शादी हो चुकी है लेकिन तुम फिक्र ना करो हमने तुम्हारे लिए एक और लड़की का इंतजाम किया है और मजे की बात तो यह है कि तुम उस लड़की को भी देख चुके हो सच मैं भी उस लड़की को देख चुका हूँ अजीत बाबू कहाँ है वो लड़की जल्दी बताइए अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है इंतजार कर रही है मैं सब खत्म हो गया उठाएंगे मर गया मगर तुम अभी तक जिंदा हो ये सब तुम्हारी मोहब्बत का करिश्मा है प्यारे मैं अरे, 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 अरे,